प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का कठुआ जिन का हमारी एचयू वार्डी के मेंबर्स ये सब को हम मेमोरेंडम देने गए थे, उसमें हमने यही डिमांड किया, यही रिक्वेस्ट की डी साहब से कि अभी जो पिछले दिनों 10th 12th के लिए रीओपनिंग के लिए ये स्कूल खोलने का जो एक आर्डर आया था उसमें थोड़ा एक कंडीशन थी कि 12th क्लास के बच्चे जो वैक्सीनेटेड हों उनको 50% बुलाया जाए, तो उसके लिए हम डी साहब से रिक्वेस्ट की कि 10th क्लास के बच्चे जो हैं तो हार्डली कुछ बच्चे हैं वो 18 साल अटेंड की है वो वैक्सीनेटेड कम है बच्चे, बाकी सारे बच्चे अंडर 18 हैं वो वैक्सीनेशन नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कोई ऐसा तरीका, तो उन्होंने अपना आर्डर क्लियर किया कि मैंने जो आर्डर किया है उसमें लिखा गया है कि जो 18+ है वो वैक्सीनेशन का है, चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट्स हैं, जो बिलो 18 है वो वही रैपिड टेस्ट करा के वो विद पेरेंट्स कंजेक्ट वो स्कूल आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू वो SOP कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी, वो 50% के हिसाब से बढ़ाया। इसी तरीके से हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया हम लोग को कि जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह स्कूल बिल्डिंग सारी खाली हैं इस समय, तो जब हम 50% के हिसाब से बुलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सही बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, तो हमने कहा कि हमारे रूम्स खाली हैं, हम दो सेक्शन बना लेंगे, रूम खाली हमारे दो सेक्शन बना लेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सारे बच्चे सेम डे स्कूल आ जाएं SOP का फॉलो करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा बेटर रहेगा। जैसे इसके साथ ये भी कहा गया उनको कि अभी नवंबर में CBSE के वो मिड टर्म फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो जो वो CBSE बोर्ड खुद कंडक्ट कर रहा है तो वहां भी अगर बच्चे लोग स्कूल आएंगे तभी वो टेस्ट कंडक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये मुश्किल होगा। इसके साथ ही हमने आज का जो मेमोरेंडम है जो एक तो डेप्टी कमिश्नर कठुआ किया और एक साथ साथ ही हमने एक चीफ सेक्रेटरी को भी दे दिया कि इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारी ये भी रिकमेंडेशन वहां कर दें कि इसके लिए हमें स्कूल ठीक से खोलने का मौका मिले। इसमें एक चीज हमने और ऐड की कि ऐसे 10th और 12th के लिए ऑर्डर आ गया लेकिन बीच में 11th क्लास छूट रही है, तो आप हमारी ये रिक्वेस्ट ऊपर ये भी सबमिट कर दें कि 11th की बोर्ड की क्लास है उनको भी लगाने का मौका दिया जाए, इसी तरीके से हम बड़े आभारी होंगे। तो बी साहब ने हमारी बात को बड़े अच्छे तरीके से सुना, बड़े गौर से सुना और हमें एक बड़े पेशेंस और एश्योरेंस दिलाई है कि आप लोग काम करें और फॉलो करें SOP। थैंक यू। गाइडलाइन है ताकि हम एक के बजाय ज्यादा रूम्स इस्तेमाल कर लें, जिस स्कूल की जिस तरह से कैपेसिटी है वो सारे स्कूल जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाए, सारे स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाए, ताकि CBSE के भी अभी नवंबर मंथ में 10th और 12th क्लास के T1 एग्जाम है जो CBSE खुद कंडक्ट करेगा, तो अगर सब बच्चों को आने की इजाजत मिलेगी और कोविड की गाइडलाइंस भी जो है वो भी फॉलो किए जाएंगी तो मेरे ख्याल सबको फायदा हो जाएगा। यही बात हम साहब के आगे रखने गए थे और उनको भी बात सही लगी है, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ऑर्डर जो निकलता है उसमें कंसीडर करेंगे, और चीफ सेक्रेटरी साहब को जो हमने थ्रू वर्दी डिप्टी कमिश्नर रिप्रेजेंटेशन दी है वो भी कह रहे हैं कि उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाएगी।